देखिए सबसे यूनिक है। ये वाला मूर्ति देखिए भाई, ये सबसे बड़ा मूर्ति है, और इसके अलावा एक और बड़ा मूर्ति वहाँ पर रखा गया है। तो और ये सबसे बड़ी मूर्ति है, लगभग 20-22 फीट की मूर्ति। बस ब्लॉग में आप बने रहिए, आपको पूरा रास्ता भी समझ आ जाएगा। बाकी आप इधर का नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत है, चारों तरफ खेत खलिहान है। ये है औंधी गांव। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। तो सबसे पहले आप सभी को हरेली त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हरेली त्यौहार है और ये छत्तीसगढ़ का सबसे पहला त्यौहार होता है। तो फिर आज फिलहाल मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ औंधी गाँव। औंधी गाँव में भी काफ़ी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनाई जाती है, गणेश जी की, दुर्गा माता की। तो आज औंधी गाँव आपको लेकर जाने वाले हैं और देखने वाले हैं कि वहाँ पर किस तरह से मूर्तियाँ बनाई जा रही है, कौन कौन से रूप में गणेश जी को तैयार किया जा रहा है, देखने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग्स मिलते रहें। तो अभी मैं निकल चुका हूँ औंधी गांव के लिए, और औंधी गांव रायपुर राजधानी से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर है। बाकी इधर का रास्ता तो बहुत अच्छा है, ऐसा उबड़ खाबड़ नहीं है गाँव वाला, जैसे गाँव वाले में गाँव का रास्ता रहता है उबड़ खाबड़, मिट्टी कीचड़, ऐसा कुछ नहीं है। इधर का रास्ता तो बहुत अच्छा है। बाकी इधर गाय वाय बहुत है, अगर आप गाड़ी स्पीड चलाते हैं तो ये लोग सामने भी आ सकते हैं कभी भी। सामने कितना सारा गाय है, रोड को जाम कर दिए पूरा। ये वाला एरिया में पूरा गाय बहुत सारा है, रोड रोड में खड़े हैं। मोतीपुर जैसे ही आप पहुँचेंगे, यहाँ इधर पड़ता है मोतीपुर लेफ्ट साइड, और यहाँ से आपको बिल्कुल सीधा जाना है फिर औंधी गाँव के लिए। बस ब्लॉग में आप बने रहिए, आपको पूरा रास्ता भी समझ आ जाएगा। और ये वाला रोड भिलाई भी लेकर जाता है। बाकी आप इधर का नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत है, चारों तरफ खेत खलिहान है और पूरा हरा भरा नज़ारा है। यहाँ से भिलाई 3 लगभग 13-14 किलोमीटर बचा हुआ है। सामने लिखा है अमलीडी गांव। औंधी गांव पढ़ते के सीधा अच्छा, ये सामने बोर्ड में लिखा है दुर्ग, सिरसा और जाम गांव। दुर्ग और सिरसा के लिए सीधा और जाम गांव के लिए लेफ्ट लिखा है। तो बस कुछ ही देर और फिर उसके बाद पहुंच जाएंगे औंधी गांव में। तो अभी पहुंच चुके हैं भाटा गांव, यहां पर ये बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन ये वो वाला भाटा गांव नहीं है जो नया बस स्टैंड की तरफ है भाटा गांव, ये वो वाला भाटा गांव नहीं है, ये पाटन क्षेत्र वाला भाटा गाँव है। तो अभी पहुँच चुके हैं औरी गाँव, और ये औरी गाँव है, औरी गाँव के बाद ही औंधी गाँव आता है। औरी गांव में यहां पर पेट्रोल पंप भी बनाया गया है। यहां से एक मोड़ है, इसमें लिखा है देखिए भिलाई सीधा, नारदी के लिए राइट और देवबलोदा के लिए राइट। औंधी के लिए आपको सीधा जाना है, ये वाला रास्ता देवबलोदा लेकर जाता है जो कि 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां से चलते हैं औंधी गांव। पहुँच चुका हूँ औंधी गाँव के पास, और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है औंधी गांव। ये देखिए औंधी गांव का बोर्ड है, ये है औंधी गांव। और आप पूछते हैं कि औंधी गांव में मूर्ति कहाँ पर बनता है, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि इस साल किस प्रकार से मूर्तियाँ बनाई जा रही है। वो रहा एक मूर्ति कला केंद्र, तो चलिए सबसे पहले आपको वहाँ लेकर चलते हैं और दिखाते हैं। जैसे ही औंधी गाँव का बोर्ड पड़ेगा उसके बाद आप सीधा आएंगे तो राइट साइड में ये वाला मूर्तिकार का दुकान पड़ेगा। चलिए देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पर मूर्तियाँ बनाई जा रही है इस बार। और वो सामने मूर्ति पंडाल आपको दिखाई दे रहा है, गाड़ी यहीं पर रखते हैं, आगे तो नहीं जा पाएगा, उबड़ खाबड़ है पूरा। फाइनली गाइस, मैं पहुँच चुका हूँ औंधी गाँव के मूर्ति कला केंद्र के पास, और वो देख सकते हैं मूर्ति कला केंद्र वहाँ पर है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर मूर्तियाँ इस साल बनाई जा रही है, गणेश जी की और माता की मूर्ति ऑर्डर बुकिंग ऑर्डर हो रहा है कि नहीं ये सब चीज़ देखते हैं, और अभी बुकिंग चालू है कि नहीं सब चीज़ देखने वाले हैं। तो बस आप वीडियो में बने रहिए। ये रहा औंधी गाँव का मूर्ति कला केंद्र, और यहाँ के मूर्तिकार सामने मूर्ति बना रहे हैं गिरधर जी। इस तरह से यहाँ पर मूर्तियाँ बनाए जा रहे हैं, और काफ़ी खूबसूरत और सुंदर मूर्तियाँ बनाई जा रही हैं यहाँ पर। आपको एक एक करके सभी मूर्तियों को दिखाने वाला हूँ। देख ही सकते हैं कुछ इस प्रकार से मूर्तियाँ हैं। यहाँ पर चांद में गणेश जी को बैठाया गया है, और
बहुत ही सुंदर कलाकृति है यहाँ का, देखिए। और यहाँ का बोर्ड यह है, सबसे पहले आपको बोर्ड दिखा देता हूँ ताकि आप नंबर के द्वारा ऑर्डर कर सकते हैं मूर्तियों को। आपको अंदर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि कौन कौन सी मूर्तियाँ यहाँ पर बनाई जा रही है। तो यहाँ पर इधर भी बनाई जा रही है और इधर भी रखी गई है काफ़ी सारी मूर्तियों को, और इधर भी सबसे बड़ी मूर्ति को रखी गई है। तो सबसे पहले आपको यहाँ लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ कौन कौन से रूप में गणेश जी को बनाया गया है, रखा गया है। देखिए सबसे पहला मूर्ति ये वाला, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और जितनी भी सब आपको मूर्तियाँ दिखाई दे रही है, ये सब रायपुर के आसपास छत्तीसगढ़ में जाने वाली है। देखिए कितना सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाई गई है। जिस तरह से थनौद में और माना में मूर्तियाँ बनाई जाती है, बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर भी मूर्तियाँ बनाई गई है। देखिए शिवलिंग में गणेश जी बैठे हुए हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है मूर्ति। इसके अलावा और भी आपको लाइन से सभी मूर्तियों को एक एक करके दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। ये देखिए ये वाला मूर्ति, देखिए बहुत ही बेहतरीन और यूनिक मूर्तियाँ यहाँ पर बन रही है। ये वाला मूर्ति देखिए भाई, ये सबसे बड़ा मूर्ति है। और इसके अलावा एक और बड़ा मूर्ति वहाँ पर रखा गया है, तो वो भी आपको दिखाएंगे। इसमें देखिए पूरा ऐसा बना हुआ है, दोनों तरफ चूहा है और बीच में ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं गणेश जी, कितना खूबसूरत लग रहा है। इसके अलावा इस पार की मूर्तियों को दिखाता हूँ आपको, अंदर में भी मूर्तियाँ बनाई जा रही है, अंदर भी आपको लेकर चलूँगा अभी। तो ये वाला मूर्ति देखिए, और ये कलर होने के बाद और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। कलर होने के बाद यहाँ का एक और ब्लॉग मैं आपको दिखाऊंगा, और कलर होने के बाद कैसा दिखता है मूर्ति ये भी दिखाने वाला हूँ। तो बस ये वाला ब्लॉग पूरा देखिए, उसके बाद आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि कलर होने के बाद ये सब मूर्तियाँ कैसे दिखने वाली है। बाकी देख सकते हैं यहाँ पर फ़ोटो के माध्यम से बनाई जाती है मूर्तियाँ, और ये देखिए बहुत ही यूनिक और ख़ूबसूरत मूर्तियाँ यहाँ पर बनाई जाती है। ये सब मूर्तियाँ देख लिए हैं, अब आपको लेकर चलते हैं उधर की मूर्तियों को दिखाने के लिए। देखिए बहुत बड़ी बड़ी गणेश प्रतिमा बनाई जा रही है यहाँ पर, और ये सबसे बड़ी मूर्ति है, लगभग 20-22 फीट की मूर्ति होगी। ये वाला मूर्ति कुछ इस प्रकार से बनाया जा रहा है, देख सकते हैं आप। फ़ोटो के माध्यम से भी यहाँ पर मूर्तियाँ बनाई जाती है, और देखिए इस प्रकार से है मूर्तियाँ। अब आपको अंदर वाले सेक्शन में लेकर चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर कौन कौन सी मूर्तियों को रखा गया है, कि अंदर में भी बहुत सारी मूर्तियों को रखा गया है। लाइन से आपको एक एक करके सभी मूर्तियों को दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए ये वाला मूर्ति, बहुत ही खूबसूरत और सुंदर मूर्तियाँ बनी हुई है भाई यहाँ पर। राधा कृष्ण जी के रूप में है यहाँ पर, और ये वाला मूर्ति आप देखिए, ये वाला मूर्ति देखिए सबसे यूनिक है। इधर भी है मूर्तियाँ, और इधर भी देखते हैं, इधर भी मूर्तियाँ हैं, और खूबसूरत मूर्तियाँ यहाँ पर बनाई जा रही है। बहुत ही यूनिक मूर्ति देख ही सकते हैं, अलग अलग डिज़ाइन में अलग अलग ग्रुप में गणेश जी को तैयार किया जा रहा है। अब आपको अंदर वाले सेक्शन में लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि वहाँ पर कौन कौन सी मूर्तियाँ बनाई जा रही है। गणेश जी के अलावा यहाँ पर माता की भी मूर्तियाँ तैयार की जा रही है, देखिए। और यहाँ पर और है गणेश जी की मूर्ति, उधर देखे थे, अब अंदर लेकर चलते हैं आपको और दिखाते हैं। उधर तीन चार फीट वाली मूर्तियों को पूरा इधर रखा गया है, लाइन से दिखाते हैं आपको।
तो यहाँ पर हमारे साथ औंधी गांव के मूर्तिकार हैं गिरधर भैया, इनसे बातचीत करते हैं। भैया अभी मूर्ति ऑर्डर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऑर्डर तो बंद हो गया भैया। ऑर्डर बंद हो गया, अब डायरेक्ट अगले साल के लिए हो जाएगा। अच्छा, तो कैसे मतलब ऑर्डर सिर्फ मूर्तियाँ बना के देखते हैं कि सजा वजा के देते हैं, अलग चार्ज रहता है, कैसे कुछ बताएं? ऐसा यहाँ तब तो ऐसा हो गया कि अपन स्टोन वर्क बिना मूर्ति मजा नहीं आता, ऐसे बोलते कस्टमर। तो क्या एक बार जहाँ स्टोन वर्क वाले मूर्ति ले जाएगा ना, तो फिर जैसे बिना स्टोन का मूर्ति मजा नहीं आता कहते हैं, ऐसा हो जा रहा है। तो इस कारण से पूरा वर्क स्टोन सहित होता है। स्टोन सहित जैसे कोई मूर्ति ऑर्डर करता है तो उसको पूरा स्टोन श्रृंगार वगैरह सब आपका ही रहता है? नहीं नहीं, स्टोन में ऐसा होता है जैसे हम लोग मूर्ति का बात कर देते हैं, इसमें स्टोन कस्टमर को लाना रहता है, लगाने का चार्जेस जो रहता है वो हम लोग ले लेते हैं। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है भैया। अभी फिलहाल ऑर्डर नहीं हो रहा है, अभी क्लोज कर दिया गया, क्लोज हो गया। और दुर्गा के लिए भी दोनों बंद हो गए हैं। चलो, तो ये था औंधी गाँव का मूर्ति कला केंद्र। आप में से बहुत सारे लोगों का कमेंट मुझे आ रहा था कि औंधी गाँव का मूर्ति दिखाइए, गणेश मूर्ति दिखाइए, इस बार कौन कौन से रूप में गणेश जी को बनाया जा रहा है दिखाइए करके। तो फाइनली देख ही लिए हैं औंधी गांव का मूर्ति और किस प्रकार से बनाई जा रही है, कौन कौन से रूप में बनाई जा रही है गणेश जी को, ये सब चीज़ मैं आपको दिखा दिया हूँ। तो आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको ऐसी अच्छे अच्छे वीडियोज़ मिलते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय।